Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Today, in computer class, we will read our next topic of our chapter number 6, Introduction to Calc. In the last class, we had read Introduction to Calc, How to Start Calc, and the Components of Calc. Hope aap sabhi ne apna homework acche se kiya hai. So, our next topic is Creating a New Workbook. कि हम एक न्यू वर्कबुक को यानी कि नई वर्कबुक को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं. कैल्क हमने जाना था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं, डाटा हैंडल करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं. जो फाइल्स इसमें बनाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं वर्कबुक. क्या कहते हैं? वर्कबुक. जो फाइल कैल्क के सॉफ्टवेयर में बनाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है वर्कबुक. और बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में हमारी 3 वर्कशीट्स होती हैं. जैसे कि हमने कल जाना था वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3. ये हमारी बाय डिफॉल्ट की 3 वर्कशीट जो होती हैं वो एक वर्कबुक में बनती हैं. ओके और एक वर्कशीट में कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं? 32,000 रोज होती हैं एंड 245 कॉलम्स होते हैं. ओके अब हम चाहें तो वर्कबुक में नई वर्कशीट इंसर्ट भी कर सकते हैं और कोई वर्कशीट डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. सो फर्स्टली वी हैव टू लर्न कि हमें वर्कबुक क्रिएट कैसे करनी है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप्स. वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? फर्स्टली गो टू द फाइल मेन्यू. हमें क्या करना है? मेन्यू बार में, कल हमने जाना था कॉम्पोनेंट्स होता है ना हमारा मेन्यू बार जिनमें हमारी मेन्यूज होते हैं, तो फाइल मेन्यू पर हमें क्या करना है? क्लिक करना है. ये देखिए फाइल मेन्यू है. जैसे ही फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे हमारी ये लिस्ट ओपन हो जाएगी. इस लिस्ट में सेकंड ऑप्शन में क्या करना है हमें? क्लिक न्यू. फर्स्ट ऑप्शन ही हमें फाइल मेन्यू में दिखाई देता है न्यू का. ये न्यू का बटन है ना, उसके आगे देखो एक और एरो सिंबल लगा है, दैट मींस उसकी फर्दर लिस्ट ओपन होगी. वहां पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है कि हमें क्या जनरेट करना है. क्योंकि हमें वर्कबुक बनानी है जिसे हमने जाना था कि हम इसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं, तो न्यू में हम किसे सिलेक्ट करेंगे? स्प्रेडशीट को. सो थर्ड स्टेप हमारा क्या है? सिलेक्ट स्प्रेडशीट. ये 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम एक नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्टली गो टू द फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक न्यू. फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे. न्यू के ऑप्शन में से हम स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज सेविंग अ वर्कबुक, कि हम वर्कबुक को सेव कैसे करेंगे. अब हमने फाइल क्रिएट कर ली है, हमने उस फाइल में जो काम करना था वो फाइल में हमने काम भी कर लिया. अब हमें उसे क्या करना है? सेव करके रखना है. तो सेविंग के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? टू सेव अ वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्टली गो टू द फाइल मेन्यू. हमें सबसे पहले क्या करना है? फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है. फाइल मेन्यू पे क्लिक करके फर्दर लिस्ट आई है, उसमें से हमें क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. उस लिस्ट में से क्या ऑप्शन को चूज करना है? सेव का. क्या चूज करना है? सेव का. सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपियर. एंटर अ नेम फॉर योर वर्कबुक एंड सिलेक्ट द वर्कबुक वेयर यू वॉन्ट टू सेव इट. दैट मीन्स जब भी हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये देखो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. ओके इस सेव एज के डायलॉग बॉक्स में से हम पता लग रहा है, ऊपर नाम लिखा आता है डायलॉग बॉक्स का कि कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है. सेव के बटन पे क्लिक करा था तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. अब यहाँ पर हमें देखो फाइल का नेम लिखा है. फाइल नेम टाइप करना है जिस नाम से हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं. ओके जैसे हमने अपनी फाइल का जो नाम रखना है वो हम कहाँ लिखेंगे? फाइल के नेम में. उसके बाद यह हमारी है लोकेशन, कि हमें अपनी फाइल को स्टोर कहाँ पर करना है, कौन सी ड्राइव में, कौन से फोल्डर में, कौन से सब फोल्डर में, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद यहाँ पे यही लिखा है, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, नेम को एंटर किया वर्कबुक का, वर्कबुक को कहाँ पे सेव करना है वो जगह सेलेक्ट कर ली. नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन एंड योर वर्कबुक विल बी सेव. अब हम क्या करेंगे? जो हमने नाम टाइप कर दिया आपकी फाइल हो गया, यहाँ पे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल इस नाम से जो हमने जगह सेलेक्ट की थी वहां पे क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी. सो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं फाइल को सेव करने के लिए. फर्स्टली गो टू द फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन. सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एंटर अ नेम फॉर योर वर्कबुक एंड सिलेक्ट द वर्कबुक वेयर यू वॉन्ट टू सेव इट एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन. योर वर्कबुक विल बी सेव्ड.
क्लियर। अब हमारे पास है शॉर्टकट की। टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट प्रेस कंट्रोल प्लस एन। न्यू वर्कशीट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन। एक बार ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए, जब भी हम कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके आगे उसकी शॉर्टकट की लिखी होती है। जैसे न्यू के लिए स्प्रेडशीट किया कंट्रोल प्लस एन, ओपन के लिए करेंगे देखो कंट्रोल प्लस ओ, सेव के लिए किया कंट्रोल प्लस एस। सो दीज ऑल आर द शॉर्टकट कीज फॉर द कमांड्स। ये हमारी अलग अलग कमांड की अलग अलग शॉर्टकट की बन जाती है, उसी के साथ हमारे सामने लिखी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट इज मेमोराइज पॉइंट। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर सेविंग अ स्प्रेडशीट इन ओ कैल्क इज .ods। एक्सटेंशन यानी कि जो हमारी फाइल का नेम होता है, एक्सटेंशन बताती है फाइल की टाइप कि किस सॉफ्टवेयर में हमने अपनी फाइल क्रिएट की है। तो जब भी हम कैल्क में फाइल जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .ods। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग मतलब बनी हुई वर्कशीट को ओपन कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस हमारा फॉलो होगा। गो टू द फाइल मेन्यू, सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन। ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सिलेक्ट द डिजायर्ड वर्कशीट एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करा, फाइल मेन्यू पे जो लिस्ट आई उसमें से ओपन के बटन पे क्लिक करा। ओपन का ऑप्शन सिलेक्ट करने पे ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने जैसे हमने सेव किया था, कहाँ पे सेव की है, किस नाम से सेव की है, उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन के बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी सिलेक्टेड फाइल यानी कि जो फाइल हम चाहते हैं डिजायर्ड फाइल ओपन करना, वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। हेयर इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग द एग्जिस्टिंग फाइल, दैट इज कंट्रोल प्लस ओ। होप आपको यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर है। आज का आपका होमवर्क यही है, क्रिएटिंग वर्कबुक, सेविंग वर्कबुक एंड ओपनिंग वर्कबुक के स्टेप्स आपको लर्न करने हैं और इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। इनके साथ इनकी शॉर्टकट कीज भी लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।